जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मिथिला पंचांग के अनुसार से दिसंबर महीने में जिन जातकों के जिन तिथियों के सगाई शादी के मुहूर्त हैं उसकी जानकारी मैं दूंगा। यह जानकारी मिथिला पंचांग के अनुसार से दी जा रही है, तो इस जानकारी को बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के जो भी लोग हैं और जिन जातकों को दिसंबर महीने में शादी करने के इच्छुक हैं या उनकी शादी जो है दिसंबर महीने में तय करने की सोच रहे हैं, तो इन तिथियों में आप जो है शादी तय कर सकते हैं। और यह जानकारी आपको मिथिला पंचांग के अनुसार से दी जा रही। वहीं मिथिला के अलावा उत्तर भारत के लोग भी इस तिथि को भी मान सकते हैं, इन तिथियों में विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो ये जो तिथियां हैं वो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 दिसंबर है। आपको मैंने पूर्व के वीडियो में दृक् पंचांग के अनुसार से यानी कि उज्जैन के पंचांग के अनुसार से जानकारी दी थी, जिसमें आपको दिसंबर महीने में 4 दिनों में जिन जातकों के सगाई और शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैंने दी है। तो वह जानकारी आपको मैंने दृक् पंचांग के अनुसार से दी है और आज की जानकारी आपको मैं मिथिला पंचांग के अनुसार से दे रहा हूँ। मिथिला यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के जो लोग हैं वो इन तिथियों में विवाह संपन्न कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ केपी की वाणी के बारे में। तो अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि आयु जो है 30 वर्ष के अधिक हो जाती है, उसके पश्चात भी उनके विवाह के योग नहीं बनते हैं। कई ऐसे जातक है जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक है, कई ऐसे जातक है जो 25 वर्ष से उनकी आयु अधिक है, उसके बावजूद भी उनकी शादी नहीं हो पा रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ज्योतिष शास्त्र में कुंडली हाथ देखकर और दिन देखकर या फिर चेहरे देखकर जो है यह जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। हालांकि इसमें सटीक और सत्य जानकारी कुंडली से प्राप्त होती है। कुंडली में यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह दोष चल रहे हैं और किन ग्रहों के रहने पर शीघ्र शादी होगी और किन ग्रहों के रहने पर शादी में देर होगी। ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, 4 शुभ ग्रह और 4 अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह के रहने पर शादी में विघ्न बाधा आती है और शुभ ग्रह रहने पर शादी शीघ्र संपन्न हो जाती है। आपने अक्सर आसपास के लड़के अथवा लड़कियों को देखा होगा कि उनकी शादी शीघ्र हो जाती है, तो ऐसा उनके शुभ ग्रह के प्रभावों के चलते होता है। शुभ ग्रह बुध, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है, जबकि अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा गया है। वहीं मंगल, राहु, केतु और शनि जो है कई प्रकार के दोष के योग भी लगाते हैं। इसमें काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष, ये सभी प्रमुख दोष हैं जिसके चलते शादी में विघ्न बाधा आती है। इसके अलावा अगर गुरु अस्त हो जाए, बुध अस्त हो जाए ऐसी परिस्थिति में या शुक्र अस्त हो जाए, तो इन परिस्थितियों में भी शादी के योग नहीं बनते हैं या बहुत देर से होती है, जब तक उसका उदय ना हो जाए या फिर वो प्रभावी ना हो जाए। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रहों की बताई है। आइए मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी पूर्णतः सत्य रहती है, क्योंकि यह कुंडली के ग्रहों की चाल पर निर्भर रहता है और उसके आधार पर ही आपको जानकारी दी जाती है। तो अब आप केपी की वाणी से शादी की कुंडली बनवा सकते हैं अथवा दिखवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, माता पिता कैसे होंगे, पति कितना पढ़ा लिखा होगा या पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, संतान योग, राजयोग, कैरियर, कारोबार, ये सभी जानकारी जो है आपको, सेहत संबंध की भी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मेहनताना लिया जाता है कुंडली बनाने के लिए। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपने आसपास किसी प्रकांड पंडित या ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है।
कई परिस्थितियों में ऐसा देखा जाता है कि दंपत्ति के बीच अनबन रहती है, वो एक दूसरे की बात उन्हें पसंद नहीं आती है, उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते। तो ऐसा कुंडली मिलान के पश्चात नारी दोष भक्कुर दोष के चलते होता है, या दोनों में से किसी एक जातक के मांगलिक रहने पर इस तरह की परेशानियां आती है। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क करें, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी देंगे। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी हो चुकी है और उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तो वो भी अब संपर्क कर सकते हैं और इसका निवारण करा सकते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है। इसके अलावा अगर आप बच्चे की कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं, विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, विदाई मुहूर्त, गृह प्रवेश तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि तिथियों की भी जानकारी अब आप केपी कीवानी से उचित शुल्क पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर सगाई मुहूर्त जानना है, विवाह मुहूर्त जानना है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। यह सभी जानकारी आपको नंबर दिए गए हैं, उपरोक्त नंबर मैंने आपको ऊपर दिए थे, फिर एक बार दोहरा देता हूँ, 8521835670 है। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूँ कि इन बातों को आपको अपनी गांठ में बांध लेना है कि विवाह के लिए शुभ दिन कौन सा होता है। अक्सर हम ज्योतिष से सलाह लेते हैं और जब ज्योतिष से सलाह लेते हैं और दिन दिखाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि ज्योतिष जल्दबाजी में मंगलवार का दिन भी मान ले लेते हैं। तो आपको बता दें कि मंगलवार का दिन शुभ नहीं होता है और मंगलवार के दिन कभी भी कोई विवाह संबंध की मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। बात करें तिथियों की तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी का दिन शुभ होता है। बात करें मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली वेला सबसे शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11 बज के पश्चात और 12 बज के पश्चात यानी कि 48 मिनट का यह अभिजीत मुहूर्त होता है। वहीं गोधली वेला प्रातः काल के समय में होता है। शुभ लग्न राशि जो है वो मिथुन, कन्या और तुला है, जबकि शुभ तारा गुरु और शुक्र है। दोनों का उदय रहना बहुत ही अनिवार्य है। नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में विवाह करना श्रेष्ठ कर होता है। बात करें करण की तो बाबा, करणी, कौलव, तैतिला, गारू, वनिजा, करण आदि शुभ करण माने जाते हैं। शुभ योग बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग और हर्षण योग, तो सौभाग्य योग सबसे उत्तम माना जाता है। आइए अब मैं आपको उन नामों की जानकारी मैं दे देता हूं। तो पहली जो राशि है वो वृषभ राशि है। इनका नाम अक्षर बी, वी और यू से होता है। इनके राशि स्वामी शुक्रदेव है और आराध्य देव माँ दुर्गा है, जबकि भाग्यशाली रंग इनका सफेद है और भाग्यशाली अंक इनके लिए 2 और 7 है। राशि धातु लोहा एवं सीसा है। राशि शुभरत्न हीरा है। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूल शुक्रवार, बुधवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण और पश्चिम है। राशि तत्व पृथ्वी है, जबकि राशि प्रकृति वायु है। तो किस दिशा में शादी हो सकती है वृषभ राशि के जातकों के, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग रहते हैं। ससुराल की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है तो यह राशि पर निर्भर करता है। वहीं अधिकतम जो है 100 किलोमीटर हो सकता है। किस नाम से हो सकती है शादी, तो PGSTH इनमें से किसी एक जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। इन नामों से आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। किससे करना सही रहेगा, तो मकर राशि के जातकों से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ कर होगा। अगली राशि वृश्चिक राशि है और इनका नाम अक्षर एन और वाई से होता है, 9 और 10 से। इनके राशि स्वामी मंगल है, आराध्य देव हनुमान जी है। भाग्यशाली रंग आपके लिए लाल है, जबकि भाग्यशाली अंक आपके लिए 1 और 8 है। राशि धातु तांबा एवं सोना है। राशि शुभरत्न मूंगा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूल रत्न मूंगा, माणिक्य तथा पुखराज है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व एवं उत्तर है। राशि तत्व जल है, जबकि राशि प्रकृति कफ है। शादी किस दिशा में होगी, तो शादी दक्षिण दिशा में होने की संभावना प्रबल है। कितनी दूरी पर हो सकती, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है यह राशि पर निर्भर करता है। जीवन साथी के भाव में कौन सी राशि उपस्थित है उसके राशि पर निर्भर करता है कि कितनी दूरी पर आपकी शादी होगी। हालांकि अधिकतम जो 200 किलोमीटर न्यूनतम 40 किलोमीटर हो सकता है। बात करें किस नाम से शादी हो सकती है, तो ASKG इस नाम से आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। किससे विवाह करना उत्तम रहेगा, तो मिथुन राशि के जातकों के साथ आपका विवाह करना उत्तम होगा। हालांकि आप विवाह उपरांत या विवाह पूर्व एक बार कुंडली मिलान अवश्य करा लें, अगर कोई दोष लगे तो उसका निवारण भी अवश्य करा लीजिएगा। अगली राशि धनु राशि है। तो धनु राशि के जो राशि स्वामी गुरु हैं आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी हैं।
गुरु जो है मार्गी चाल चलेंगे 24 नवंबर के पश्चात, तो इनकी राशि स्वामी गुरु हैं, तो 24 नवंबर के पश्चात धनु राशि और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन ही रहा है। इनका नाम अक्षर भ और फ से होता है, यानी एफ और बी एच से होता है। राज्य देव जो है श्री विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका पीला है, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि शुभरत्न जो है इनके लिए पुखराज है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि अनुकूलवार गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूलत्र पुखराज तथा माणिक्य है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं। अनुकूल दिशा जो है आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है, जबकि राशि प्रकृति पित्त है। शादी किस दिशा में होगी, तो धनु राशि के जातकों के उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने के संभावना अधिक रहती है। विवाह प्रस्ताव किस नाम से आ सकता है, तो ALPRST इनमें से किसी एक जातक के साथ आपके पढ़ने सूत्र में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं और इन नामों से ही आपके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है। बात करें धनु राशि के लिए, मेष राशि के जातक जो है श्रेष्ठकर होते हैं। दोनों के बीच मैत्री का संबंध रहता है और विवाह उपरांत दोनों के बीच सामंजस्य बेहतर बैठता है, तो आप कुंडली मिलान भी अवश्य करा ले, अन्यथा आप मेष राशि के जातकों का चयन कर सकते हैं। अगली और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है। इनके राशि स्वामी भी गुरु हैं और गुरु वर्तमान समय में जो मीन राशि में उपस्थित हैं और 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। इसके पश्चात मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेंगे ही। इनका नाम अक्षर डी से शुरू होता है। आराध्य देव जो है श्री विष्णु नारायण जी हैं और राशि स्वामी गुरु हैं। भाग्यशाली रंग इनके लिए भी पीला है। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो मूंगा धारण कर सकते हैं और अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है, जबकि राशि तत्व अग्नि है। राशि प्रकृति पृथ्वी है। शादी किस दिशा में होगी, तो मीन राशि के जातकों के भी उत्तर पूर्व दिशा में शादी होने के प्रबल योग रहते हैं। अधिकतम दूरी ससुराल की जो है 80 से 100 किलोमीटर, यानी कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर के अंदर हो सकती है। किस नाम से विवाह प्रस्ताव आ सकता है, तो SGV नाम से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। किससे करना सही रहेगा, तो कर्क राशि के जातकों से शादी करना उत्तम रहेगा। तो दोस्तों मैंने आपको 8 नामों की जानकारी दी है जिनके योग दिसंबर महीने में बन रहे हैं और यह जो जानकारी है आपको मिथिला पंचांग के अनुसार से दी गई है। अगर आप शीघ्र विवाह की हेतु उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको शीघ्र विवाह हेतु उपाय अवश्य देंगे। साथ ही आपको मंत्र भी भेजेंगे, जिससे कि आप उन उपायों को करेंगे, उन मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपकी जो विवाह में आ रही बाधा है वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। अगर काल सर्प दोष लग रहा है, पितृ दोष लग रहा है, तो उसका निवारण अवश्य करा ले आप अपने स्थानीय पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क करके। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन, मिथिला पंचांग और विभिन्न ज्योतिष शास्त्रों के अनुभवों और अध्ययनों से दी गई है। इसमें बदलाव संभव है। इसे मानने अपनाने से पहले आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना तक पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क करें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप स्वपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, साथ ही माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।